अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों ये देखो, इनको खोल दिया हमने, सभी को देखो माशाल्लाह कितने आराम से सुकून से घूम रहे हैं, फुल मस्तियां कर रहे हैं। देखो पानी भी फ्रेश डाल दिया हमने इनको माशाल्लाह, ये देखें। और ये बाजरा भी फ्रेश डाला हमने इनको। और ये देखो सिम भाई, यार जो घास लेके आए थे वो तो डालो, इन्हें ले गए आप जल्दी। सिम भाई घास वो हम लेके आए, इनको डालते हैं जल्दी जल्दी। अभी सिम भाई लेके आएंगे, देखना कितने शौक से खाते हैं बाजरा। देखो माशाल्लाह, कोई इधर खड़ा होकर खा रहा है, कोई इधर होकर खा रहा है। वो देखिए मुर्गे भी खा रही है माशाल्लाह। और दोस्तों उनको पता लग गया, लगता है घास है मुर्गा। देखो डकी गैंग उधर भागने की कोशिश कर रही है। वो देखो सिम भाई इतना थोड़ा भाई, यार पहले देखिए वो डाल देंगे बिल्कुल। चलो ठीक है, पहले आप चेक करोगे इनका मूड है खाने का। दोस्तों अक्सर ना ये जाया कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है इनको भूख लगी, ये ना लाजमी खाएंगे शौक से। यार सिम भाई आपको एक्साइटमेंट भी नहीं हो रही आज? दोस्तों बाकी आज ना बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि दोस्तों हमने आपको जिस चीज़ का कल बताया था कि हम आपको ना एक बहुत अच्छा सरप्राइज दे रहे हैं। मैं कहता हूँ दोस्तों न्यू ईयर की खुशी में हमने आपको एक बहुत अच्छा और बड़ा सरप्राइज देना था। तो दोस्तों थोड़ी देर तक चलेंगे, पहले ना हम अपने सब पेट्स वगैरह को और परिंदों को ना दाना पानी डाल जाएँ, फिर इनको जैसे डालेंगे फिर डाल के ना वहाँ पर चले जाएँगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये ना सिमी भाई घास जा रहे हैं हमारे, बनी हो रही है केज में। ये हम जो ले गए थे ना न्यू, आपने बाहर भी डाल दिया और अंदर भी डाल दिया। देखो सिमी भाई ना वो देखो दोस्तों, वो सिमी भाई उसकी टांग, यार सिमी भाई ध्यान से, यार सिमी भाई आप बंद कर रहे थे ना, उसका पाँव आ गया था छोटे बनी का, ध्यान से यार दोस्तों। ये बेचारा ना, चलो माशाल्लाह वो देखो उसको इतनी भूख लगी है, उसको ये टेंशन थी मैं मेरा पाँव आ रहा है, वो भागा भागा गया ऊपर और उसने ना खाना माशाल्लाह देखो कितने शौक से खाना शुरू कर दिया है। और उसको देखो मैं छोटे हो रही है, वो भी माशाल्लाह कितने शौक से खा रहा है माशा, चारों बड़े शौक से खा रहे हैं। देखना अभी पेट भर लेंगे। उसमें भाई ने देखो सभी कटोरियाँ बाहर निकाल ली, इसमें ना दोस्तों इस टाइम ना पानी चेंज करते हैं, दो तीन दफ़ा ना दिन में चेंज करते हैं दोस्तों, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है इसलिए। और दोस्तों मैं आपको बाहर भी दिखाता हूँ, ये जो हमारे देखें माशा कितने शौक से खा रहे हैं सभी, डक्की गैंग भी, वो देखें मुर्गियाँ भी बहुत शौक से ना ये सारे खा रहे हैं। ये देखो इन्होंने पानी भी पीना शुरू कर दिया माशाल्लाह। दोस्तों जिस चीज़ के आप लोगों का इंतज़ार था ना, और हमें भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, जो दोस्तों हमारा ज़ू बन रहा था वो फाइनली दोस्तों ये देखे रेडी हो गया है। ये दोस्तों हमारा मिड ज़ू, पहले हम आपको जो हम बकरियां वगैरह लेके आए हैं वो भी दिखाते हैं आपको, पहले हम अंदर जाके ना ज़रा। ये देखें दोस्तों हम ना अभी बकरियाँ ले गए हैं, देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी है, ये देखें भाग भी रही। और ये इसके बच्चे हैं दोस्तों माशाल्लाह, सारे इसके बच्चे हैं, ये मेल है ये भी फीमेल है दोस्तों माशाल्लाह, देखो कितना प्यारा कितना क्यूट है माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है। और दोस्तों ये भी ये फुल वाइट है, ये फीमेल है। क्या उसमें भाई प्यारी लग रही है भाई। अच्छा दोनों फीमेल हैं, हाँ जी दोस्त। वो देखो दोस्तों बाहर भाग गए, और शाम भाई भी पकड़ के लाते हैं, उतनी देर हम इनको देखते हैं। दोस्तों ये जो बकरी है ना ये भी उसी के बच्चे हैं, तीनों बकरियां और वो जो एक बाहर भाग गया वो बकरा। दोस्तों ये बहुत ज्यादा शरारती है, बहुत ज्यादा, खास तौर पर ये देखो दोस्तों कितना एक्टिव है माशाल्लाह, ये ना बहुत तंग करता है दोस्तों। हम जब इसको डाल लेते हैं ना पट्ठे वगैरह तो ना बहुत ज्यादा तंग करता है। देखो माशाल्लाह कितना प्यारा है दोस्तों, गोल मुंह है इनके, और ये जो इनके बच्चे ना ये बड़े कानों वाले गोल मुंह हैं इनके भी माशाल्लाह। ये वाला था भाई बहुत शरारती है, हाँ जी ये वाला भी दोस्तों, ये अपनी बड़ी बहन की तरह ना बहुत ज्यादा शरारती है। ये देखे कमीज खा रहा कमीज खा रहा था वो। और ये देखो शाम भाई ना बकरी को भी ले इनकी माँ को, देखो दोस्तों ये माशाल्लाह सारे अपने माँ जैसे है, बस ना ये जो न्यू ले दिए थे ना इन्होंने, ये देखो दोस्तों इसके टांगों से ब्राउन है दोस्तों। ये जो मेल है ये बहुत शरारती है, देखो मेरे पीछे पीछे आ रहा है दोस्तों, ये कैसे बोल रहा है माशाल्लाह। और दोस्तों ये फुल व्हाइट कलर का है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है ये वाला तो खास तौर पे। देखो ये अपनी माँ पे नहीं गया, ये दोस्तों जो बकरा था ना जो इसका बाप था ये बिल्कुल उसकी तरह है, देखो इसमें बिल्कुल भी ब्राउन कलर नहीं है। तो दोस्तों ये देखो माशाल्लाह ना ये जो न्यू इनके ले लिया ना हमारी बकरी के माशाल्लाह, उसके साथ साथ घूम रहे हैं वो देखो। और दूध पीना शुरू कर दे भाई, यार टाओ बल्कि पीने दो यार। देखो दोस्तों माशाल्लाह अपनी माँ का दूध पी रही है, माँ ना पिला रही है। दोस्तों जो गैर माँ होती है ना इनकी, इनकी खुद की माँ नहीं होती, वो इन्हें दूध नहीं पिलाती है। देखो अब इसकी सगी माँ है ना ये, देखो माशाल्लाह दूध पी रहे हैं उसका। और दोस्तों ये देखो हमने ना यहाँ पे खुरलियाँ भी बनाई हैं, ये देखें इनके खाने पीने के लिए ना रखेंगे साहब भाई। क्या उसमें भाई यहाँ पे घोड़े रखेंगे, व्यू आएगा साहब भाई इधर। हाँ जी भाई चलो रखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दोस्तों हमने खुरलियाँ बनाई हैं और ये इनके खाने पीने के लिए, और ये इसमें दरमियान में ना सरिया इसलिए लगवाए ताकि ये अलहदा अलहदा ना एक एक जाना अपना खा पी ले। और दोस्तों पहले हमने यहाँ लकड़ी की लगवाई थी खुरलियाँ, लेकिन ना उनमें इनसे ना सही तरह खाया नहीं जाता था। और ये देखो दोस्तों हमने यहाँ पे थोड़ी सी थड़ी सी बनवाई है, और ये देखो पानी का ना बाल्टा रखा पानी डाल के, ताकि ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ना आके ना पीते रहे, छोटे बच्चों के लिए बनवाई है हमने थड़ी। और दोस्तों ये देखे हमने ना कैमरे भी लगवाए इनकी हिफाजत के लिए, कि ना कोई ऐसे गैर बंदा अंदर ना आ जाए इसलिए। और ये लाइटिंग भी लगाई और पर्दे भी लगाए ताकि धूप से भी बचे ने, और सर्दी बहुत ज्यादा होती है दोस्तों इसलिए।
और दोस्तों बाहर जाके भी हम आपको व्यू दिखाते हैं ये क्या बनाया है हमने। और दोस्तों ये देखे हमने ना पर्दे लगवाए हैं, ये देखिए शेड भी लगा हुआ है, मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ये देखे हमने दरवाजा बनाया है, ये लोहे का फ्रेम बनवाए हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारे बकरी के बच्चे ना छोटे, उनको रात को इसके अंदर छोड़ देते हैं, देखिए तूड़ियाँ थोड़ी गर्म होती है, इसके ऊपर वो बैठते हैं आराम से। और दोस्तों ये देखे हमने ना लोहे की शीट भी लगवाई है जिससे वो बारिश वगैरह ना अंदर ना आए। ये देखो माशाल्लाह अच्छी तरह कवर किया। और दोस्तों ये देखो यहाँ पे भी लोहे वगैरह लगा हुआ है, इधर भी ऐसे, ये देखे लाइटिंग भी लगी हुई है यहाँ पे, ये भी माशाल्लाह देखे कितना प्यारा बना हुआ है। और दोस्तों ये दो चीजें तो हमने आपको दिखा दी। और दोस्तों यहाँ पे भी ना ये देखें खुरली बनी हुई है बड़ी सारी, और ये सामान वगैरह पड़ा है यहाँ पे ना। दोस्तों अभी सर्दियों गर्मी में ना थोड़ा मौसम जब दरमियाना हो जाएगा फिर हम ना कोई बड़ा जानवर लेके आएंगे, जैसे गाय वैड़ा वगैरह ऐसे वैड़ियां लेके आएंगे चार पांच ज्यादा इंशाल्लाह, और यहाँ पे रखेंगे। और ये सामान दोस्तों आपको इसलिए नजर आ रहा है, दोस्तों यहाँ पे ना अभी आगे सारा जितनी हमने आपको जगह दिखाई है ना इतनी और जगह वहाँ पे भी काम हो रहा है। हम आपको नेक्स्ट ना दो तीन दिन तक इंशाल्लाह लाजमी दिखाएंगे कि वहाँ पे काम हो रहा है, और इंशाल्लाह तब तक प्रॉपर हो जाएगा मुकम्मल। तो ये देखे जो हमारा लेला ना छोटा बकरी का, ये देखो पता नहीं क्या करिए, इसके दांत रखा बहुत तेज है, ये देखो खा रहा है। चल भाई तुझे खाना खाने को डाला, दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले उनको खाना वगैरह डाला था, गतावा किया था उस, ये देखो वो देखो ये क्या हो रहा है, बकरा क्या कर रहा है, मस्तियां कर रहा है दोस्तों। ये दोस्तों अभी ना यहाँ पे चढ़ा हुआ है, देखो थोड़ी थोड़ी ना तूड़ी लगी हुई है, इन्होंने खाया भी माशाल्लाह बिल्कुल देखो क्लीन, बिल्कुल साफ कर देते हैं खा के। और ये देखो यार इसको दोस्तों मुझे लगता है थोड़ी बहुत ना सर्दी लगी है, क्योंकि ठंडा मौसम इसको ना अभी इसके अंदर ना कवर कर देंगे, क्योंकि शाम हो रही है, थोड़ी देर हम ना इन्हें खोला छोड़ देते ताकि ये फिर लें अच्छी तरह इंजॉय कर लें। और दोस्तों ये वाली जो बकरी है ना हमारी, ये माशाल्लाह बहुत ही चुहार है, देखो इसके पीछे पीछे जाऊंगा भागेगी ये, वो देखो रेशे लगाती है बहुत ज्यादा ये। और दोस्तों ये चारों फीमेल है, ये दो और ये दो छोटे ले लेना हमारे, माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे दो, ये देखो मेरे पास आ गया प्यार लेने दोस्तों, माशाल्लाह कितना प्यारा है मेरे पीछे पीछे आ रहा है अब। दोस्तों ये दोनों भी फीमेल है और सिर्फ ये वाला मेल है एक, ये जो खा रहा है ना इधर पता नहीं, ये भी ऐसे ही लगता है और भूख लगी, हम ना इन्हें और खाना डाल देते हैं। और दोस्तों ये देखो ये कितना गंद डालते हैं इनके, हमने ना दोस्तों ये देखो सफाई की है, सफाई ना हम खास तौर पे सफाई नहीं, इसमें ईमान इसलिए हम ना सफाई करके रखते हैं, देखो माशाल्लाह बिल्कुल क्लीन साफ लग रहा है इससे, ये देखो हमने सफाई की है, कितना गंद बहुत गंद मचाते हैं। तो अभी दोस्तों कम है इंशाल्लाह, आप लोग ना देखना हम बहुत जल्द ना और भी काफी सारी बकरियां बकरे दो तीन दिन तक ना लेके आएंगे, ऐसा ऐसा ना काफी सारे लेके आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। और ये देखो बाकी तो हमारे पास माशाल्लाह अभी पांच है, ये दोस्तों हम एक बकरी ले गए थे माशाल्लाह, इसी के चार बच्चे हैं, देखो तीन फीमेल है और ये वाला एक मेल है, दोस्तों अपने बाप पे गया बिल्कुल, और ये बाकी देखो अपनी माँ पे गई है। और दोस्तों ये वाला तो पता नहीं किस पे गया, लग ही गया देखो माशाल्लाह फुल व्हाइट कलर का है ये देखें, और ये थोड़ा टांगों से ना ब्राउन ब्राउन है दोस्तों, इनको सर्दी लग रही है, हालांकि अभी चार बजे हैं लेकिन इनको ना बंद कर देते हैं अब। चलो यार सुमित भाई इनको वहां लेके चलो, हम ना उसमें बंद कर देते हैं इन्हें। तो गाइज आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको ना हमारा ये मिर्जू कैसा लगा। दोस्तों मैंने ना आपको अभी प्रॉपर नहीं दिखाया क्योंकि अभी ना बाकी जगह पे काम हो रहा है, तो वहाँ पे ना अभी थोड़ा सामान वगैरह पड़ा, हमने कहा आपको ना दो तीन दिन तक लाजमी दिखाएंगे। और दोस्तों पहले जो हम आपको दिखाते हैं वो हमारा मिनी जू है, ये मिड जू है, प्रॉपर हम आपको दो तीन दिन तक दिखाएंगे। और दोस्तों हमारा ना ख्वाब है कि हम ना बिग जू भी बनाए बहुत जल्दी इंशाल्लाह, तो आप लोग ना हमें सपोर्ट करें। तो आप लोगों ने ना कॉमेंट्स में लाजमी बताना कि मिड जू आपको ना कैसा लगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल ज़ूज़ेस्ट को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।